साथियों, मैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश जी के उस पैगाम के साथ यहां पर उपस्थित हुआ हूं कि मैनपुरी से अगर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव जी विजयी होती हैं, तो फिर 2000 की मंजिल का 2024 की मंजिल का रास्ता साफ होगा। यह चुनाव कई डिंपल यादव जी के जीतने का नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के लिए फख्र की बात होगी, लेकिन सबसे ज्यादा फख्र की बात उन लोगों के लिए होगी डिंपल यादव जी के जीतने की, जो 2024 के बदलाव के लिए चकचकी लगाए बैठे हैं। और वो कोई मामूली संख्या में लोग नहीं है, एक साल से ज्यादा तक जो धरती मां का सीना चीर करके दौलत पैदा करने वाली कौमें हैं, एक साल से ज्यादा दिनों तक वो धूप में, बरसात में, गर्मी में, जाड़ों में अपने 500 से ज्यादा किसानों को खोकर के बैठी है। लेकिन मैं सलाम करना चाहता हूं देश की किसान जातियों को, जिनके सामने अरियर नरेंद्र मोदी को भी झुकना पड़ा और ये आंदोलन तब उठा जब कानून वापिस हो, लेकिन कानूनों के वापिस होने से लड़ाई खत्म नहीं हुई। आज डिंपल जी जीतती हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देनी होगी अगली लोकसभा में, जब डिंपल यादव जी जाकर के वहां पे बैठे। इस चुनाव का यह भी महत्व है, और हमने पहले भी, नीतीश कुमार जी ने पहले भी घोषणा की थी कि ये इसकी वजह से सीट खाली हुई। चौधरी चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर के मरने के बाद तमाम देश के समाजवादी जब अनाथ हो गए थे, डॉक्टर लोहिया के फरमान को लेकर के मुलायम सिंह यादव ने उनका मान बढ़ाने का काम किया। मुलायम सिंह यादव हमारे लिए एमपी नहीं है, हमारे पुरखे हैं जिन्होंने जेपी लोहिया चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है, और जिसका जिम्मा अब अखिलेश यादव ने। इसलिए भी हम आपसे कहने आए हैं कि हमने पहले दिन कहा था कि डिंपल यादव जी को अनअपोज जीतने, इस देश की परंपराएं। 2 महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, शिंदे कुछ अलग, ठाकरे कुछ अलग, लेकिन जब रिक्त सीट खाली हुई तो सारे राजनीतिक दलों ने ठाकरे गुट की महिला को अनअपोज जिताया। और इनको तो अनअपोज जिताना इसलिए भी जरूरी है, मुझे संसद का आखिरी दिन याद आता है, नेताजी सबसे आखिर में बोलते हैं और जितने भी सांसद हैं सबको आशीर्वाद देते हैं, और हमको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी आशीर्वाद दिया कि जीतो और आओ। तो हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी भी नेताजी के सम्मान में यहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे, लेकिन चलो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया ताकि नेताजी को श्रद्धांजलि देने वालों की संख्या बढ़ गई, उनकी तादाद बढ़ गई। लिहाजा हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है छोड़ के बीजेपी को, सारे वामपंथी दल इनके साथ हैं, समाजवादी आंदोलन की धाराएं जितनी भी हैं, जेडीयू, जेडीएस, आरजेडी, सब इनके साथ है। क्षेत्रीय पार्टियों में से किसी भी पार्टी ने इनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, लिहाजा ये मैनपुरी की नहीं समूचे विपक्ष की इज्जत के उम्मीदवार के रूप में यहां।